मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपना चैप्टर चला था मौर्य फर्स्ट एम्पायर, और अपन ने यहाँ पे अशोका के जो एडिक्ट थे उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं जो मौर्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वर बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस लेट डाउन इन चाणक्य अर्थशास्त्र फॉर गुड गवर्नेंस। यानी कि मौर्य डायनेस्टी में क्या था कि जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो जो गाइडलाइंस हैं उनपे बेसिस होगा। अब ये गाइडलाइंस जो हैं वो किसने बनाई है, वो बनाई है अपने चाणक्य ने बुक लिखी अर्थशास्त्र नाम की, और इन्होंने इस अर्थशास्त्र नाम की बुक में बहुत सारी गाइडलाइंस दी, और जो मौर्य थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो किया करते थे। इट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द किंग हैज एब्सोल्यूट पावर। और जो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था ये कैसा था, ये सेंट्रलाइज था। क्यों, किस तरीके सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे सारी की सारी पावर जो है वो राजा के पास विद्यमान होती है। मिनिस्ट्रियल काउंसिल कॉल्ड मंत्री परिषद एडवाइज द किंग ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर। और साथ ही साथ इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, एक मंत्री परिषद भी हुआ करता था। ये मंत्री परिषद क्या करते थे, ये मंत्री परिषद सारे के सारे मिलकर के राजा को अपनी सलाह या एडवाइस दिया करते थे किसी भी कार्य से संबंधित होने पर। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट विच वर हेडेड बाई ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाई द किंग। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के आधार पर, अलग अलग कार्यों के आधार पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में डिवाइड करके होता था। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए, हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट काम दे दिया, और हर एक डिपार्टमेंट का एक क्या होगा, एक हेड ऑफिसर भी होगा जो कि राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ऑफिशियल्स लाइक महामताज लुक्ड आफ्टर द रूटीन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर अपन बात करें ऑफिशियल्स की, तो एक ऑफिशियल होते हैं महामताज। इनका काम क्या है, इनका काम है रूटीन के जो गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, यानी कि डेली रूटीन के बेसिस पे जो कार्य होते हैं गवर्नमेंट में, उन कार्यों की समीक्षा करना इनका काम है। द एंटायर किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। अब इसके अलावा क्या है कि पूरा का पूरा जो किंगडम है, यानी कि राजा का जहाँ जहाँ तक भी क्षेत्र फैला हुआ है, टेरिटरी फैली हुई है, वो सारा का सारा डिवाइड किया हुआ है प्रोविंसेस के अंदर। जैसे कि अपना देश है, अपने देश को पहले स्टेट्स में बांटा गया है, फिर हर एक स्टेट को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, उसके बाद तहसील और गांव ग्राम पंचायत वगैरह बांटा गया है। इसी तरीके से वहां पे भी यही था कि पूरा का पूरा किंगडम है उसको प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया है कि ये वाला प्रोविंस अलग होगा, इसका नाम ये होगा, इस तरीके से। दैट वर गवर्न्ड बाय द रॉयल प्रिंसेस और कुमार। और जो प्रोविंसेस हुआ करते थे इनको गवर्न कौन करते थे, इनको गवर्न करते थे राजा के जो राजकुमार होते हैं वो। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब आगे प्रोविंस की बात की जाए तो इन प्रोविंस को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसा कि आज भी विद्यमान है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज मैनी नगराज एंड ग्रामाज। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे नगर होंगे, यानी कि टाउन होंगे, और बहुत सारे गांव भी होंगे, विलेजेस भी होंगे, जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं वैसा ही है। ऑफिशियल्स एट एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड टैक्सेस वर्क एज जजेस एंड कैप्ट रिकॉर्ड। और बहुत से जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं जिनको अलग अलग काम बांटे गए हैं वो क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग लेवल पे टैक्स कलेक्शन किया करते थे। इसके अलावा एज अ जज काम करते थे, यानी कि जज के रूप में भी यहाँ पे अपनी भूमिका अदा करते थे। इसके अलावा जो रिकॉर्ड होता था किसी एक टाउन का या विलेज का, वो भी मेंटेन करते थे कि यहाँ पे कितने किसान हैं, कितनी जमीनें हैं, कितना टैक्स पिछला आया है, और अब इस बार आया है, ये हरी चीजें। द टैक्सेस सो कलेक्टेड वर यूज फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, वेल्स, रेस्ट हाउसेस, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड टू मेंटेन द आर्मी। अब जो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया है इन ऑफिसर्स ने लोगों से, उस टैक्स का आगे यूज क्या होता है, उस टैक्स का यूज होता है आर्मी को मेंटेन करने में, उनकी सैलरी देना, उनके लिए नए नए हथियार बनाना वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे रोड वगैरह बनाना, कुएं बनाना, रेस्ट हाउस बनाना, इरीगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई के लिए, इन सब कामों में ये लोग यूज किया करते थे। एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज सेटअप एंड स्पाइस कैप्ट द किंग इनफॉर्म ऑफ द हैपनिंग विद इन एंड विदाउट एम्पायर। साथ ही साथ इन राजाओं के पास क्या है, एक जासूसों का भी एक सिस्टम हुआ करता था। अब ये जासूस क्या करते थे, ये हमेशा राजा को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे राजा के किंगडम में होने वाले अलग अलग
किंगडम में होने वाले क्रियाकलापों की, उन सभी चीजों की क्या है, राजा को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती थी, जैसा कि आज अपने भी होता है, रॉक नाम से जो अपनी एजेंसी काम करती है, ठीक वही चीज वहां पे भी। द इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अगर बात की है बहुत सारे प्रोविंसेस की, तो जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, तो कौन कौन से हैं, कैपिटल है एक तो पाटलिपुत्र, एक है तक्षशिला और एक है उज्जैन, यानी कि ये तीन क्या है, पाटलिपुत्र तो यानी कैपिटल हो गई, बाकी दो और यानी क्या है स्पेशल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया, व्हाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अब क्या है कि जो ये तक्षशिला वाला जो एरिया था, इसको एक प्रवेश द्वार की तरह मानते थे, और ये प्रवेश द्वार कहाँ के लिए, नॉर्थ वेस्ट के लिए, यानी कि अगर आपको नॉर्थ वेस्ट जाना है तो आपको तक्षशिला से होकर गुजरना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। साथ ही साथ यही जो एरिया है तक्षशिला वाला, इसी के थ्रू, इसी को यूज करते हुए आप सेंट्रल एशिया में भी प्रवेश कर सकते थे। इसके अलावा उज्जैन की बात की जाए, तो उज्जैन जो है वो साउथ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया से अगर आपको साउथ इंडिया जाना है तो उसके बीच में पड़ता है उज्जैन। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीस सिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग हुए, ऑफिशियल्स हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, ये संभवतः सब सब यही इन सिटीज में ही रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। इसके अलावा बहुत सारे और भी विलेजेस थे जहाँ पे फार्मर्स और जो ये पशुओं को चलाने वाले लोग होते हैं वो रहा करते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड हॉन्टेड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। अगर बात की जाए इंडिया के ही सेंट्रल इंडिया भी, यानी सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जंगलों में बहुत सारे लोग गैदरिंग में रहते थे, यानी कि ट्राइब्स ट्राइब्स बना करके रहा करते थे, और इनका काम क्या था, ये लोग जंगल में उत्पादित होने वाले उत्पादों को यूज करते थे और जंगली जानवरों को अपने भोजन के लिए यूज किया करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके अलावा जो लोग थे वो अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग जगहों पर रहते थे और अलग अलग भाषाओं का भी यूज किया करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड वुड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल। इसके अलावा बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के लैंग्वेज तो अलग ही है, उनका खाना भी अलग है, उनके कपड़ों का जो पहनावा है वो भी अलग है, तो कस्टम्स भी अलग है, सब कुछ अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट वर रूल्ड डिफरेंटली, तो अलग अलग पार्ट थे इसी एक एम्पायर के ही, मॉडर्न डायनेस्टी के जो टाइम पे जो एम्पायर बनी हुई थी उसके अलग अलग पार्ट में ही अलग अलग लोग रूल किया करते थे अलग अलग तरीके से। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। अगर बात की जाए पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया की, तो यहाँ पे राजा का सीधा कंट्रोल हुआ करता था। This means that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area. इसका मतलब क्या हो रहा है? राजा का अगर सीधा कंट्रोल है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था, किस चीज के लिए, ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके फार्मर्स लोगों से, हर्डर से, जो क्राफ्ट पर्सन हैं जो अलग अलग क्राफ्ट बनाते हैं उनसे, ट्रेडर्स लोगों से, जो कि इस ही पाटलिपुत्र वाला जो एरिया है इसी गांव में शहर में आसपास रहते हैं। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और जो ऑफिशियल्स हैं जिनको किंग ने खुद अपॉइंट किया है, अगर इन ऑफिशियल्स के जो आज्ञा है उसकी अवमानना होती तो ये ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिश भी करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, और इन ऑफिशियल्स को बहुत लोगों के सैलरी भी मिलती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कैप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। बहुत सारे तो मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि दूत टाइप के लोग जो होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरे पहुंचाते हैं, वो यहाँ वहाँ जाते आते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से जो स्पाई होते हैं, जासूस टाइप के लोग होते हैं, वो भी इन ऑफिशियल्स पे अपनी नजर रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सर्वाइव सुपरवाइज देम ऑल। और अवश्य रूप से ही जो एम्परर हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, वो इन सभी को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, यानी कि सबसे सुप्रीम लीडर है आपको, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और राजा इन सब कामों में किसकी हेल्प लेता है, रॉयल फैमिली के जो लोग हैं उनकी और सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं क्लास में। थैंक यू।